हेलो एवरीवन, तो कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, होप कि सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइज स्वागत है आपका एक और नई प्यारी सी वीडियो में। तो गाइज यहां पे है मेरे पास हीरो की एक्सट्रीम। जैसा कि आपको पता ही है, मैंने पिछले महीने अपनी बाइक को जो है वो परचेस किया था, और गाइज आज एक महीना हो गया मेरे को इसको परचेस किए हुए, और आज मैं आपको ना इस वीडियो में बताने वाला हूँ इस बाइक को लेकर मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करने को मिल रही है। वो सारे रिव्यूज जो है वो आपको आज मिलने वाले हैं कि इस बाइक में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, और मेरे को पर्सनली जो प्रॉब्लम है वो क्या फेस करने को मिल रही है वो आपको आज मिलने वाली है गाइस आज इस वीडियो में। तो अगर आप इस वीडियो में नए हो तो चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर लेना, उससे भी काफी मोटिवेशन वगैरह मिलती है। तो लेट्स गो, फटाफट वीडियो की शुरुआत करते हैं। ओके गाइस, तो ये रही अपनी हीरो की एक्सट्रीम 125R। तो गाइस जो सबसे पहली मेरे को प्रॉब्लम लग रही है वो लग रही है गाइस इसकी रियर सीट में। जो रियर सीट है ना गाइस, वो ना एक्चुअली प्रॉपर ना कंपनी वालों ने ना फिट नहीं की हुई है मेरे को जो लग रहा है। ये देखो, इसको ना थोड़ा सा हिलाओ ना, ये ऐसे हिलती है। ये हर एक बाइक की हिलती है या फिर इसी की हिल रही है, ये मेरे को गाइस डाउट लग रहा है। ये देखो कितनी हिलती है गाइस, आपको इधर से दिखाता हूँ गाइस। ये देखो, तो ये काफ़ी हिलेगी अभी, है ना। ये देखो, ये हिल पता नहीं क्यों रही है गाइस, ये मेरे को डाउट है। ये मैंने ना इसको खोल के भी चेक किया था, उसके बाद भी ना ये हिल रही थी गाइस। नहीं, सबसे पहले प्रॉब्लम तो ये होने वाली है गाइस। तो उसके बाद गाइस मैं बात करता हूँ इसके मीटर की। मीटर के ऊपर ना गाइस ये जो एवरेज का ऑप्शन दिख रहा है ना आपको, मैं आपको दिखाता हूँ, रुक जा। ये जो एवरेज है, ये एवरेज ना मेरे को डाउट लग रहा है थोड़ा सा इसमें, कि जब हम बाइक चलाते हैं ना तब भी ये एवरेज जो है वो शो होती है, अदरवाइज जब हम बाइक को रोकते हैं ना उसके बाद जो है एवरेज यहाँ पे शो नहीं होती गाइस। जब बाइक को राइड करते हैं उसके बाद ही यहाँ पे ना एवरेज शो होती है, कितने की है, 65 की दे रहा है, 58 की दे रहा है, या फिर 80 की दे रहा है। राइड करेंगे तभी हमको यहाँ पे शो होगा कि कितनी एवरेज जो है ये बाइक दे रही है। तो ये मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा है गाइस इसमें। और उसके बाद हम बात करते हैं जो इसमें बिगेस्ट प्रॉब्लम जो मेरे को लग रही है ना, वो लग रही है गाइस इसके गियर में। एक्चुअली ये ना गियर जैसे पहला डालो ना तब तो ये प्रॉपर डलेगा, ठीक है। जैसे इसको ऊपर करोगे ना तो थोड़ा सा ना गियर अटकता है। ये पता नहीं क्यों अटक रहा है, या फिर न्यू बाइक है गाइस इसीलिए अटक रहा है, या फिर ये कोई प्रॉब्लम है। तो ये इसमें मेरे को ना डाउट लग रहा है गाइस, अटकना तो नहीं चाहिए गाइस गियर ना। तो यहाँ तो मेरे को लगता है कि ये न्यू बाइक है ना, अभी जैसे जितने ज़्यादा चलेगी ना उतना ज़्यादा जो है इसके गियर घिसेंगे, उसके बाद ही गाइस ये प्रॉपर हो पाएगी अपनी बाइक। तो देखते हैं कितनी देर तक ये प्रॉब्लम रहती है। तो अगर ये मेरे को 2-3 महीने के बाद भी ये प्रॉब्लम रहेगी ना, तब भी मैं रिव्यूज डाल दूंगा गाइस इसके ना, कि क्या प्रॉब्लम्स दोबारा से मेरे देखने को मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है इसके गियर में। तो फिलहाल तो गाइस गियर में वही प्रॉब्लम मिल रही है कि गियर ना थोड़े से अटकते हैं, दूसरा डालोगे तो अटकेंगे, तीसरा डालोगे अटकेंगे, थोड़ा सा नीचे करोगे गियर निकालोगे तब भी गाइस थोड़ा सा गियर जो है वो अटकता है, आवाज बड़ी अलग सी करता है, ये पता नहीं क्यों कर रहा है गाइस। और गाइस बाकी तो मेरे को ना और भी कोई प्रॉब्लम जो है वो देखने को नहीं मिली है गाइस इस बाइक में, और ये है भी एक खतरनाक बाइक है गाइस। हाँ, मैंने एक दो वीडियो देखी थी, वो बोल रहे थे कि ये भी इन्होंने मतलब डुप्लीकेट ऐसे दिए हैं, बट ये मेरे को गाइस काफी तगड़ी चीज लगती है। तो कुछ लोगों की वीडियो मैंने देखी है, वो बोल रहे हैं ये सही नहीं है, ये है वो है, इसमें ये प्रॉब्लम है। तो ये मेरे को गाइस ठीक ही लगी है। सर मैंने जो आपको जेन्युइन रिव्यू बताया ना, जो मेरे को फेस करने को मिल रही है गाइस अभी, वही मैंने आपको बताई है। तो गाइस काफ़ी अच्छी बाइक है, सिर्फ वो 2-3 मेरे को डाउट लग रहे हैं उस कंप्लेन के ना। तो एक तो इसकी ना सीट ना, ये जैसे मैंने आपको बताया हिलती है, और दूसरे इसके गियर अटकते हैं, तीसरा ना जब ये राइड करोगे ना उसके बाद ही यहाँ पे ना एवरेज का ऑप्शन मिलेगा गाइस आपको। चलो गाइस ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वैसे, बट फिर भी मैंने आपको ऐसे बता दिया गाइस। तो चलो गाइस, तो अगर आप भी इसको परचेस करना चाह रहे हो, है तो गाइस काफ़ी अच्छी और बढ़िया बाइक है, वैसे कि मैंने बता ही दिया होगा गाइस आपको पिछली वीडियोस में। जो मेरे को अभी गाइस प्रॉब्लम लग रही है ना, जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, तो वही मैंने गाइस आपको आपके साथ रखी हैं और वही मैंने आपको बताई हैं। और गाइस मैं आपको ये बता देता हूँ, ये मेरी ना फर्स्ट बाइक है, और हाँ गाइस तो ये मेरे को लग रहा है कि विद इन कोई गाइस 2-3-4 महीने के बाद ना ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो ठीक हो जाएंगी गाइस। इतना मेरे को 101% पता है गाइस कि ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो टेम्परेरी हैं। एक्चुअली जितनी ज़्यादा बाइक चलेगी ना उतनी ज़्यादा गियर घिसेंगे, उतनी ज़्यादा इसकी
स्मूथनेस बढ़ेगी, और जैसे इसकी स्मूथनेस बढ़ेगी गाइस, तो वैसे वैसे बाइक जो है वो काफी अच्छी और बढ़िया परफॉर्मेंस देगी गाइस। हाँ, मेरे को लग रहा है कि अभी ना 60 की माइलेज ये दे रही है, और जैसे मैंने इसको 6 महीने या फिर 7-8 महीने चला लिया ना, उसके बाद गाइस इसकी एवरेज जो है वो भी बढ़ने वाली है। जितनी कंपनी ने क्लेम की है ना 66 के आसपास, तो उतनी मेरे को गाइस ये बाइक माइलेज दे सकेगी गाइस। और एक्चुअली मेन सर्विस, मेन बात होती है गाइस, इसकी सर्विस जो है वो टाइम टू टाइम होनी चाहिए। जैसे कंपनी वालों ने बोला कि इसकी फर्स्ट सर्विस जो है वो 500 पे होनी चाहिए, तो आप कोशिश करो 500 से पहले ही करवा लो। और दूसरी सर्विस उन्होंने बोला है कि 2000 के बाद होनी चाहिए, और आप कोशिश करो कि सर्विस जो है वो आप 1800-1900 के आसपास ही करवा लो। एक्चुअली एडवांस सर्विस जो है वो सही और बढ़िया रहती है एक प्रॉपर परफॉर्मेंस बाइक के लिए, तो इसलिए आप सर्विस भी इसकी ना एडवांस ही रखा करो। मैंने तो एडवांस ही रखी हुई है गाइस। अभी मेरी बाइक ना कम से कम भी पता कितनी चली है, 1500-1600 चल गई होगी, मैं आपको दिखाता हूँ गाइस। हाँ, 1553 किलोमीटर जो है वो चली हुई है मेरी बाइक। तो अभी इसकी सर्विस मैं करवाऊंगा गाइस 2500 के पहले पहले, मतलब 2400-2300 के आसपास मैं करवा लूंगा इसकी सर्विस। तो चलो गाइस, तो आई होप मैंने आपको आज इस वीडियो में इस बाइक के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स और इश्यूज थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। ओके गाइस, तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि ये बाइक में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, वो मेरे को जो फेस करने को मिल रहे थे वो मैंने आपके सामने रखे हैं। तो आई होप आपने ये वीडियो जो है वो प्रॉपर देखी होगी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं इस बाइक में। और मेरे को लग रहा है कि ये वाली प्रॉब्लम्स जो है ना वो टेम्परेरी है गाइस। गियर की तो मेरे को लग रहा है कि टेम्परेरी प्रॉब्लम है वो, एक्चुअली जैसे जैसे बाइक चलेगी वैसे वैसे गियर जो है वो थोड़े से स्मूथ होंगे, स्मूथ होने के कारण बाइक की परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी और ओवरऑल बाइक भी अच्छी चलेगी गाइस। तो ये टेम्परेरी प्रॉब्लम्स है जो तीनों मेरे को फेस करने को मिल रही है मेरे को पर्सनली गाइस। मैंने भी ये अपनी ना फर्स्ट बाइक ली है, और मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू बता रहा हूँ कि मेरे को पर्सनली क्या क्या इश्यूज जो हैं वो फेस करने को मिल रहे थे, और वो मैंने गाइस आपके सामने रखे हैं। तो आई होप आपने ये सारे इश्यूज और रिव्यूज देख लिए होंगे। तो चलो गाइस, अभी बस इस वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म, फिर मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद गाइस, बाय।